उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय पर अपर जिलाधिकारी महोदय को जनहित एकता संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन किस संबंध में दिया गया है और किन समस्याओं को लेकर के दिया है और खास तौर से किस मुद्दे को लेकर दिया है, आइए अकबर शाह से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में जो वर्तमान में जिसका नाम सतरी है, इसका पहले नाम सप्तऋषि था। यहाँ पर श्री रामचंद्र के चंद्र जी के चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की है। हम ये चाहते हैं कि उनके नाम से यहाँ भी ऐतिहासिक चीज पर। अकबर शाह की बातें सुनकर के आप थोड़ा माजरा तो समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ राम मंदिर को लेकर के, राम जी को लेकर के खास तौर से कि बाराबंकी जनपद में उनका क्या इतिहास है, आइए उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और बाराबंकी का इतिहास भी जान लेते हैं। पहले बल के रूप में था और भगवान बारा का अवतार लोग बताते नहीं थे और यहाँ पर ऋषियों का आश्रम था। पांडव भी आके यहाँ रहे, आपको लोधेश्वर महादेव और कुंतेश्वर पारजात मिलता है। ये हमारे इतिहासों को वहाँ देखा। सतरिक में सातों ऋषि रहते थे, इसमें वशिष्ठ मुनि, जमदग्नि, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, भरद्वाज, ये सातों ऋषि वहाँ रहते थे। उस पीरियड में श्री रामचंद्र जी शिक्षा ग्रहण करने आए तो गुरुकुल पद्धति, तब स्कूल कॉलेज नहीं थे। तो श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ यहाँ अयोध्या से आके सप्तऋषि में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने शिक्षा ग्रहण की और अब इसका नाम धीरे धीरे कालांतर बढ़ता गया और इसका नाम सतरिक। यहाँ उनकी सारी निषादें मिल गई है, मगर हमारे पुराणों में, इतिहासों में और पुरातत्व विभाग के कुछ भागों में मिलता है बाराबंकी के इतिहास में भी सतरिक इसी नाम से प्रचलित है कि पूर्व में सतरिक आश्रम था। ये पहले बारह पंथ भगवान बारह का अवतार हुआ था, धीरे धीरे इसका नाम बदलते बदलते बाराबंकी हो गया और बाराबंकी की पहले राजधानी दरियाबाद हुआ करती थी। ये 1858 में जब अंग्रेजों का राज हुआ तो दरियाबाद से आने जाने में असुविधा होने लगी, जिसको बाराबंकी जनपद को राज जला दी। नहीं तो मुख्य मांग क्या है करते प्रशासन सरकार, जहाँ रामचंद्र जैसे आदमियों ने जो पूरा हमारे पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, इतिहास की बेहतर सारा संसार उनके नाम को जपता है, संसार के ईश्वर कहे जाते हैं, उन्होंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की है उस स्थान कोई महत्व नहीं है। अरे गुरुकुल का जहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ एक छोटा बच्चा पैदा हो तो पढ़ लिख के जहाँ स्कूल डीएम बन जाता है उस स्कूल का महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ रामचंद्र जी ने शिक्षा ग्रहण की, चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की, धनुष विद्या सीखी, उस आधारना इतिहास में लोप थे तो गुरुकुल पद्धति क्या महत्व है। तो हम तो ये चाहते हैं इतिहास के पन्नों में गुरुकुल के महत्व को आज भी महत्व दिया जाए और सप्तऋषि को सत्री से सप्तऋषि घोषित किया जाए और यहाँ पर कोई पर्यटक असर रह जाए, जिससे शिक्षा के महत्व को और बढ़ावा मिले, गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा मिले, बच्चों में ऐसी शिक्षा हो, जागरूकता हो, भाईचारा हो और रामराज की स्थापना हो। तो इनकी बातें सुनकर क्या पूरा माजरा समझ गए होंगे और बाराबंकी का थोड़ा बहुत इतिहास भी जान गए होंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।